मंदिर में लग रही आंगनबाड़ी, मंदिर के शेड में बच्चे कर रहे पढ़ाई, भवन स्वीकृत नहीं होने से स्कूल के जर्जर किचन कक्ष में रखी सामग्री भी हो रही है खराब। खबर शाहपुर से। शाहपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत टांगना माल के टांगना रैयत में आज भी आंगनबाड़ी भवन नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी स्कूल के भोजन कक्ष में संचालित हो रही है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण जर्जर हो चुका भोजन कक्ष भी पानी टपकने एवं भवन में पानी भर जाने के कारण बच्चों को बैठने तक की व्यवस्था नहीं होने के कारण टांगना रैयत के आंगनबाड़ी भवन को मंदिर के टीन सेट में संचालित करना पड़ रहा है। मंदिर प्रांगण में टीन सेट में संचालित आंगनबाड़ी भवन के बच्चों को वहीं बैठकर पढ़ाई और भोजन करना पड़ रहा है। ग्राम की सरपंच श्रीमती राधा हाके का कहना है कि पंचायत की ओर से शासन प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, परंतु आंगनबाड़ी भवन नहीं बन पा रहा है। प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। वहीं इस पर ग्राम के किशन लाल विश्वकर्मा एवं किशन यादव का कहना है कि बजरंग मंदिर के सामने टीन सेट में आंगनबाड़ी भवन संचालित हो रही है। आंगनबाड़ी का सामान किचन सेट में रखने से वह खराब हो रहा है। जब इस पूरे मामले को लेकर महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती दीपमाला आके से बात की तो उनका कहना है कि बारिश की वजह से अतिरिक्त कक्ष में सीलन आ जाने के कारण आंगनबाड़ी मंदिर प्रांगण में लग रही है। अगर केंद्र की स्थिति खराब है तो ग्राम के चौपाल को खाली कराकर वहां आंगनबाड़ी भवन लगाया जाएगा। अभी भवन स्वीकृत की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में कुछ आंगनबाड़ियां आई है जिन्हें स्वीकृत किया गया है, उसमें से एक नाम बदलकर इस आंगनबाड़ी को स्वीकृत कराया जाएगा। अब दिक्कत तो बहुत दिनों से साल दो साल हो जा रहे हैं और ज्यादा दिक्कत तो अभी हो रही है। आंगनबाड़ी खुली जब से बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनी है, वो बिल्डिंग नहीं है, वो किचन था, उसी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ आंगनबाड़ी नहीं आई है। अच्छा, जिसमें बाहर बच्चे को जो खाना खिलाने और पढ़ाने में दिक्कत परेशानी भी हो रही होगी। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, नीचे से पानी बबूला मार रहा है, नीचे बच्चे कैसे बैठेंगे, पूरी बारिश का पानी अंदर आ चुका है। इसके लिए कहीं आपने आवेदन या प्रस्ताव पहले कहीं पंचायत में या पंचायत द्वारा कुछ दिए हैं ऊपर? हाँ, बहुत सी बार दे चुके हैं, लेकिन कोई शासन प्रशासन कोई कुछ भी अभी तक नहीं हुई यहाँ की जानकारी अभी तक किसी। जी आंगनबाड़ी बनना चाहिए जी, आंगनबाड़ी है ही नहीं, बहुत परेशानी है। जब से आंगनबाड़ी स्वीकृत हुई है जब से कोई बिल्डिंग नहीं है। अभी बच्चों को कहाँ पढ़ाया जा रहा है? अरे बच्चों को क्षतिग्रस्त हो रहे, वहाँ किचन वहाँ से नीचे बोपाला मार रहा पानी का। हाँ, बहुत क्षतिग्रस्त है। टांगना रैयत आंगनबाड़ी केंद्र अभी वर्तमान में स्कूल के अतिरिक्त कक्ष में लग रही है, क्योंकि बारिश की वजह से अतिरिक्त कक्ष में बहुत सीलन है, तो मंदिर के प्रांगण में लगाई जा रही है। मेरी आज ही सर से बात हुई है कि वहाँ के केंद्र गांव में जो बाल चौपाल जो सामुदायिक भवन है वो चौपाल वो खाली करवा के अगर बारिश की स्थिति में केंद्र बहुत खराब है तो वहाँ पर लगाया जाएगा। और अतिरिक्त भवन में लगाए जाने के कारण अभी वहाँ पे भवन स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। विधायक मैम से जो भवन स्वीकृत हुए हैं उसमें एक नाम का बदलाव कर इस भवन को सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर अतिरिक्त कक्ष खाली नहीं है तो जो हमारा चौपाल वाला प्रांगण है उसमें अभी केंद्र लगाया जाएगा, लेकिन खुले में आंगनबाड़ी संचालित नहीं हो रही है। वो बारिश की वजह से परिस्थितियाँ बिगड़ने की वजह से मंदिर के प्रांगण में लगाया है, चूँकि चौपाल खाली नहीं है इसीलिए दूसरे प्रांगण का यूज़ किया गया है। हाँ, मेरी बात हुई है ग्राम सचिव से, बात हुई है मेरी जीआरएस महोदय से, तो वो उन्होंने कहा है कि आज की आज ही उसको दुरुस्त कराएंगे और भवन के लिए केंद्र संचालन के लिए वो स्थान उपलब्ध कराएंगे। ओके, थैंक यू।